हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर है, थोड़ा सा हटकर है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि केबीसी के ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं, केबीसी 2021, और 10 मई से ही स्टार्ट हुए हैं। तो 10 मई के क्वेश्चन का आंसर तो 11 मई को दे दिया गया है, और 11 मई के जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो 12 मई के रात के 8:59 तक वैलिड रहेगा। तो आप आज जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकते हैं। और तो मैं आपको लाइन वाइज सभी क्वेश्चन बताती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न आता है केबीसी का, वो रात को 9 बजे आता है सोनी टीवी पर, और उसका रिप्लाई हमको अगली रात में 9 बजे से पहले करना होता है, क्योंकि अगली रात को 9 बजे नया प्रश्न आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 10 मई का प्रश्न बताती हूँ, जिसका जवाब जो है हमें 11 मई को रात को 9 बजे से पहले देना था। तो ये जो प्रश्न था, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, तो पहले हिंदी में बताऊँगी फिर इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किनकी जयंती के सम्मान में 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, और इसमें साथ में चार ऑप्शन भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था शहीद भगत सिंह, मींस ए शहीद भगत सिंह, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी मंगल पांडे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस सीज़न का, जो सबसे पहला प्रश्न था, और इसका जवाब हमें जो है अगली रात को, जैसे मैंने आपको बताया, 9 बजे से पहले देना था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बताती हूँ कि इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन, जैसा कि उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में बताए जाते हैं। तो इंग्लिश में है टू कमेरोमोरेट विच बर्थ एनिवर्सरी डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 जनवरी एज पराक्रम डे। तो इस ऑप्शंस तो सेम ही है, ए शहीद भगत सिंह, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी मंगल पांडे। तो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो जो केबीसी के ये मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या सोनी लिव ऐप से भी आप कर सकते हैं, तो जो भी कर रहा है उनको इसका आंसर पता होगा, और उन्होंने चाहे तो खुद पता हो या फिर सर्च करके नेट पे रिप्लाई कर दिया हो तो फिर वो पता होगा। बाकी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी सही ऑप्शन है उसको किस तरह से आपको और किस नंबर में भेजना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैसेज टाइप करना है, या तो आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर आप सोनी लिव ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बताती हूँ। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप अपना मैक्स मैसेज बॉक्स खोलिए, उसके बाद उसमें राइट मैसेज में जाके लिखिए केबीसी, केबीसी के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, कैपिटल लेटर्स में सभी आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, केबीसी स्पेस, उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन इसका आंसर है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, और डी है तो डी। जैसे मान लीजिए अगर बी आंसर है तो केबीसी स्पेस बी स्पेस, उसके बाद जितनी आपकी एज है उतनी आप एज लिखेंगे, मान लीजिए आपकी 30 एज है तो 3030 लिखेंगे और नंबर्स में, और अगर आपकी 60 है तो 6060 लिखेंगे, और उसके बाद अगर आप मेल है तो स्पेस करके मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ, और अदर्स है तो ओ। तो फिर इस तरह से आपको रिप्लाई करना है, केबीसी स्पेस ए बी सी या डी जो भी आंसर हो, स्पेस आपकी एज, स्पेस जो भी आपका जेंडर है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, केबीसी स्पेस बी स्पेस 30 स्पेस एफ, इस तरह से आपको रिप्लाई करना है, ये मैसेज करना है, और ये मैसेज आपको सेंड करना है, एसएमएस करना है नंबर 509093। जैसे ही आप ये मैसेज करेंगे तो 3 रुपीज़ आपके बैलेंस से कट जाएंगे, और ये इसके लिए आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में अनलिमिटेड पैक है, मतलब जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स और मैसेज होते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, उसमें से मैसेज नहीं जा पाएगा फ्री मैसेज से। इसके लिए आपके मेन अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, नहीं है तो आप उसका रिचार्ज कर लीजिएगा। 3 रुपीज़ पर SMS कटता है, और इस तरह से जितने भी प्रश्न आएंगे उनको डेली में डालती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन तो चलिए अब निकल गया, पर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आप आज रात के 9 बजे से पहले पहले कर सकते हैं, 8:59 तक। ट्राई कीजिए कि जल्दी ही कर दीजिए, और उसके बाद जो आज 12 है, जो 11 वाला क्वेश्चन था वो आज 12 को रात को 9 बजे से पहले आपने करना है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ जो कल रात को 9 बजे आया था। पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, रूस के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है?
रूस के पहले COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि आजकल न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है और सबको पता होगा, मुझे भी इसका आंसर पता था। तो इसके ऑप्शंस बताती हूँ मैं आपको। ए है ओरा वी, बी है स्पुतनिक वी, सी वोस्को वन, डी फोबोस। ये इसके चार ऑप्शन हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। वट इज़ द नेम ऑफ रशियाज फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन? वट इज़ द नेम ऑफ रशियाज फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन? इसके ऑप्शन सेम है। फर्स्ट ऑप्शन ए है ओरा वी, बी स्पुतनिक वी, सी वोस्कोस वन या वोस्कोस आई, डी पोपोस। ये चार ऑप्शंस है। तो जो भी करंट मतलब न्यूज़ वगैरह देखते हैं उनको पता ही होगा कि कौन सी रूस की वैक्सीन है रशिया की, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ ही रहा था कि रशिया ने इंडिया की हेल्प की है, वैक्सीन काफ़ी अमाउंट में भेजी है इंडियंस के लिए, और उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो स्पुतनिक नाम से वो वैक्सीन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 जो भी आप कहें, तो ये वाला इसका आंसर है। तो आपको इसका मैसेज करना होगा KBC स्पेस बी स्पेस 30, आपकी जितनी भी है 30 है 25 है जितनी भी है, और स्पेस फीमेल, एफ है तो फीमेल, मेल है तो एम। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई करना है फ्रेंड्स। और अगर आप सोनी लिव के थ्रू मैसेज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, सोनी लिव ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपने डिटेल्स भर, साइन इन का ऑप्शन आएगा उसमें राइट हैंड साइड में बिल्कुल बॉटम पर, साइन इन करेंगे उसमें आपका नंबर आप फीड करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना होगा, तो आपका नंबर उसमें सोनी लिव ऐप में रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको KBC में रजिस्टर करना होगा। सामने जो होम स्क्रीन होती है उसमें KBC के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका मतलब क्वालिफिकेशन पूछेगा, जेंडर पूछेगा, एज मतलब ईयर ऑफ बर्थ पूछेगा, ये सभी कुछ डिटेल्स बिल्कुल बेसिक होती है वो डिटेल्स पूछेगा। और उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी आपको, जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी में आपके जितने भी ये इस सीज़न के क्वेश्चन आंसर है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है वो उस दिन आ जाएगा। अब जैसे आज अब सेकंड क्वेश्चन है तो आज के दिन सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका वो जो है जो भी आपका रिप्लाई है वो KBC टीम के पास पहुँच जाएगा। और जो है ये इसमें जब आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे मोबाइल से तो आपके पास KBC टीम से एक रिप्लाई भी आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग KBC, और इस तरह से कुछ मैसेज आएगा, वी विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 20 days, कुछ इस टाइप से मैसेज आएगा। तो फिर इस तरह से आप कर लीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप मेरी ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके काम आएगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करती हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय, कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। और डेली का जो भी क्वेश्चन आता है वो कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ, और उसका आंसर भी साथ में आपको बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आप सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिएगा, बाय।